जबलपुर में स्कूलों की फीस से परेशान बच्चों के परिजनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पालकों का कहना था कि लॉकडाउन में स्कूल बंद हैं, उसके बाद भी स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों की फीस के लिए बार बार उनके परिजनों को परेशान किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई होना चाहिए। अभिभावक लोगों ने कलेक्टर साहब से मुलाकात करी है, जो फीस वृद्धि फीस के लिए इसको वह जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक फीस बंद की जाए। दूसरा, ऑनलाइन क्लासेस जो चालू की गई है उससे बच्चों को मानसिक पीड़ा हो रही है, आंखों की रोशनी जाने का डर है, तो ऑनलाइन क्लासेस बंद की जाए। जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक फीस ना ली जाए। ऐसे ही आर्थिक मंगी से मध्यम वर्गीय परेशान है, आज उनकी दुकानें बंद हैं, पेट पालने के लिए समय नहीं है, और स्कूल की फीस, जिसके दो बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल की फीस कैसे दे सकते हैं। तो हमने सरकार से मांग करी है कि स्कूल जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक स्कूल की फीस रोक लगाई जाए, और दूसरा ऑनलाइन जो क्लासेस वो बंद की जाए। उन्होंने यही बताया कि स्कूल से कुछ ज़्यादा स्टडी मटेरियल आ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उससे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। और कुछ उन्होंने अपना फीस के मामले में बताया कि उनको कई बार से बोला जा रहा है कि हमें फ़ीस दें, ऐसी कुछ शिकायत उनकी है।